हेलो हेलो, तो रेशम मैं चाहूंगी कि आपका स्वागत तो मैं कर ही रही हूँ ऑल इंडिया रेडियो असम रेनबो पर, लेकिन आप अपने बारे में जो भी एक छोटा सा इंट्रो बोलते हैं ना, वो आपको खुद दो। हेलो इंडिया, दिस इज रेशम तलवार ऑन द शो जमाने को दिखाना है, और मैं एक सिंगर हूँ, सॉन्ग राइटर हूँ, वॉइस ओवर एक्टर हूँ, एड जिंगल्स बनाती हूँ, और अभी फिलहाल इंग्लिश में एमए कर रही हूँ, और मुझे रेनबो इंडिया पर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई जस्ट लव लिसनिंग रेनबो इंडिया। रेशम, आपका एक बार फिर से स्वागत है रेनबो पर। तो रेशम है हमारी आज की कलाकार, जिनका टैलेंट आप इतना खूबसूरत गीत गाया उन्होंने, इतनी सोनी सुनकी आवाज है, और बहुत कुछ खास है उनके पास, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ तो बता दिया आपको कि भाई वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, इंग्लिश हिंदी डबिंग भी करती है, तो भाई उनके बारे में बहुत कुछ ऐसा है जिसे जानने के लिए आप बेकरार होंगे कि इतनी खूबसूरत आवाज दिखती है और क्या क्या खास बातें है उसके पास। रेशम आपसे करेंगे बात, लेकिन पहले एक गाना आपके लिए सुन रेनबो पर। जी फिल्म साहू से सुना आपने गुरु रंधावा और तुलसी कुमार की आवाज में ये गीत, और एक बार फिर से हम बात करेंगे रेशम तलवार से, जो है हमारी आज की कलाकार, जिनके टैलेंट को आप सभी ने सुना, और उनसे जानेंगे कि कैसे इस टैलेंट का कीड़ा उनके अंदर आया, कैसे ये शौक उनके अंदर पनपा। जी जी बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली ये जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी 2006 से, जब मैं 10 इयर्स की थी। अभी मेरी 23 है जी, या 10 या 11 ऐसी एज रही होगी मेरी। सो तब एक्चुअली मेरे घर में म्यूजिक का माहौल बचपन से ही रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी भी एक सिंगर है। okay. वो स्टेज शोज करती हैं, और जागरण एंड चौकी वगैरह, माता की चौकी, हम लोग वो सब भी करते हैं, एंड मेरे पापा भी बहुत अच्छी म्यूजिशियन है। क्या बात है। तो बचपन में जब मम्मी कहीं किसी प्रोग्राम में गाती थी, तो आप उनको उनकी नकल करने की कोशिश करती थी? नहीं, नकल करने के लिए कोशिश करती थी। मम्मी हारमोनियम पे रियाज करती थी। okay. तो मुझे बजाना तो आपने हारमोनियम पर जस्ट इंटरेस्ट काफी आता था कि यार मम्मा ये चीज बजा रही है, बजा नहीं था, तो मतलब मुझे भी बजाना है। तो मैं मम्मी के पास बैठ जाती थी, जब मम्मी देती थी मम्मा नोट्स निकाल रही है, तो फिर मैं सॉन्ग भी सुनती थी, तो काफी जल्दी मुझे सॉन्ग याद हो जाते थे, मेमोराइज काफी जल्दी कर लेती थी। तो उनको लगा कि हाँ, इसका मेरे में इंटरेस्ट है। सो आई थिंक आई वाज इन फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड क्लास बात होगी, तो मैंने पहली बार एक स्कूल की तरफ से एक जोनल कॉम्पिटिशन था, उसमें पार्टिसिपेट किया, एंड तब मैं कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, स्टेज पे भी मेरा पहली बार ही था। मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आपने एफएम चलाया हुआ है? क्योंकि ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वही मैं चाहती हूँ कि आपकी इतनी खूबसूरत आवाज है, तो सारे श्रोता आपकी आवाज को बिल्कुल अच्छे तरीके से सुने। तो अभी आ रहा है आपको? जी जी जी, बहुत इशू काफी ज्यादा है आपका। ओके, बाहर आ चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, तो आपकी जर्नी आपके बचपन से ही शुरू हो गई? जी, बचपन से ही शुरू हो गई, एंड देन मैंने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के वो कॉम्पिटिशन में मैंने प्राइज जीता था, तो हुआ था स्कूल की तरफ। और उस टाइम आप कितने साल की थी जब आपने पहला प्राइज जीता? या उस टाइम मैं नहीं होंगी, आई थिंक 10 साल की, 10 इयर्स। बस 10 साल की उम्र में, इतने छोटे छोटे बच्चे जब गाते हैं ना, और बहुत अच्छा गाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, कितना सोना बच्चा है। लेकिन फिर आप अब हो गए हो। पंजाबी फोक था। ओके, पंजाबी फोक गाया था जी। देन उसके बाद फिर मम्मा ने सोचा कि फॉर्मल ट्रेनिंग दिलानी चाहिए, देन फिर एक गुरुजी की तलाश की, तो फिर गुरुजी मेरे पंडित सोमनाथ शर्मा जी, तो फिर उनसे ट्रेनिंग दिलवाया, फॉर्मल ट्रेनिंग इंडियन क्लासिकल में। ओके, यानी कि अगर बच्चों में टैलेंट है तो उसको पहले तो पहचानना जरूरी है, और जब पेरेंट्स उसको पहचान लेते हैं और उसको तराशने की कोशिश की जाती है, तो कुछ ऐसे बच्चे निकल कर आते हैं। बात करेंगे रेशम तलवार से, जो है हमारी आज की कलाकार, जिनका टैलेंट जमाने के सामने है, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद आएंगे एक खूबसूरत गाने के साथ। FM Rainbow 102.6. तो
तो फिल्म का नाम था आपने सुनी लिया मन मर्जियां, और इसे गाया था हर्षदीप कौर और भानु प्रताप सिंह ने। बात करते हैं एक बार फिर रेशम तलवार से। तो रेशम आप ये बताओ कि आपकी भी मर्जी कुछ ऐसी ही थी कि आप इसी फील्ड में आओ, या फिर पेरेंट्स का ऐसा था आपको कुछ और बनना था, कुछ और करना था? नहीं, मेरी मर्जी यही थी कि मुझे जाना सिंगिंग की फील्ड में ही है, रिकॉर्डिंग लाइन में ही है, लाइक स्टूडियो रिकॉर्डिंग हो गया। सो फिर तभी वहीं से मैंने अपनी जर्नी स्टार्टअप की। एंड उसके बाद मैं जो ज्यादातर स्कूल, लेकिन पेरेंट्स का ये था कि आप पहले अपने स्टडीज पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि पढ़ाई जरूरी है, एक सेकेंड ऑप्शन रख के। बिल्कुल, पढ़ाई तो जरूरी है ही। या सो फिर मैंने टेंथ में भी मैंने टॉप किया, आई गॉट इंडिया अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो मतलब साथ साथ में मैं जोनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती थी जो स्कूल की तरफ से होते हैं, सो जिससे कि मेरी सिंगिंग भी ना रुके। फिर जब मेरा ट्वेल्थ क्लियर हुआ तो उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया फॉर माई ग्रेजुएशन। एंड देन मुझे टाइम मिला और भी ज्यादा अपने टैलेंट को इनहेंस करने का, कॉलेज में फ्रेशर्स हो, फेयरवेल हो, कॉलेज फेस्ट हो, उसमें परफॉर्म करती थी। एंड माई होल कॉलेज वॉज लाइक टू सपोर्ट मी लाइक एनीथिंग, टीचर। अच्छा ऋषम, ये बताओ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी स्टोरी कि भाई जो करना था शुरुआत से उसी में ट्रेनिंग ली, घर वालों का भी पूरा सपोर्ट रहा, कॉलेज में भी सबने बड़ा ध्यान रखा, तो कभी कोई मुश्किल, कोई परेशानी कुछ ऐसी थी, ऐसा लगा जो बाकियों से कम है, ऐसा लगा कैसे होगा, बड़ी मुश्किल है, बड़ी परेशानी है, कभी ऐसा कोई फेज आया? नहीं, प्रॉब्लम तो रहती है, अभी भी है, क्योंकि जैसे मैंने मेल में भी मेंशन किया था दैट आई एम अ स्पेशल किड, आई एम अ विजुअली इम्पेयर्ड किड। सो मतलब बचपन से ही आईज का थोड़ा प्रॉब्लम रहा है, तो यही रहता है कि अभी भी जब मैं कभी रिकॉर्डिंग सेशन वगैरह के लिए जाती हूँ या किसी को अप्रोच करती हूँ कि इफ यू हैव एनी वर्क ऑफ स्क्रैच रिकॉर्डिंग और एट जिमल रिकॉर्डिंग सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, सो आई डोंट नो मतलब वॉट इज योर पर्सपेक्टिव, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि समटाइम्स मतलब दे से यस वी विल कॉन्टेक्ट यू, बट ऑन दी अदर हैंड इट कैन हैपन दैट मे बी दे फील कि शायद आईज की वजह से प्रॉब्लम है तो हमें कुछ ज्यादा सिखाना पड़ेगा, या इतना पढ़नी पेपर पे पढ़ नहीं सकती, आई कैन रीड ई बुक्स एंड आई कैन रीड दैट ई मटीरियल एंड आई ऑल्सो नो ब्रेल स्क्रिप्ट विच द पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट यूज फॉर देयर राइटिंग एंड रीडिंग। सो पेपर पे हो सकता है उनको लगे कि कंफर्टेबल नहीं है, तो हो सकता है तो ऐसा होता है कि वो शायद चांस ना देते हो, तो इतनी रिक्वायरमेंट्स पहले नहीं आती थी, बट अभी जैसे जैसे मैंने सोशल मीडिया से अपना टैलेंट ग्रो करना स्टार्ट किया है सो अभी काफी रिक्वायरमेंट्स आती हैं एंड पीपल लिटल आर एक्सेप्टिंग। तो आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो कौन हैंडल करता है? मैं खुद ही हैंडल करती हूँ, मैं सारे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स मैं ही हैंडल करती हूँ, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, स्टार मेकर, सिन्यूल, एवरीथिंग। यानी कि आपने सब जगह अपने टैलेंट को फैला रखा है, सब जगह आपके ऑडियो क्लिप्स घूमते रहते हैं। ऑडियो क्लिप्स, वीडियोस, वॉइस ओवर सैंपल्स, सब जगह घूमते रहते हैं। अच्छा, और जब आप कोई भी रिकॉर्डिंग करती हो, डबिंग करती हो, तो फिर आप वो सब पढ़ती कैसे हो? ई बुक से आपने बोला, तो कैसे उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाते हो? या अब जैसे सॉन्ग्स होते हैं तो सॉन्ग्स का तो ऐसा रहता है ना कि जैसे जो सॉन्ग है तो ज्यादातर क्या होता है कि अभी राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन जिंगल्स, लाइक आई क्रिएट जिंगल्स एज आई मेंशन, तो जिंगल्स तो मुझे खुद ही बनाने होते हैं, व्हाट एवर द क्लाइंट सेज कि आपको इस इशू पे जिंगल बनाना है तो आप खुद लिखते हो? या आई राइट माई सेल्फ, आई कंपोज देम माई सेल्फ, और उसका म्यूजिक बनाना होता है, बिकॉज मेरा होम स्टूडियो नहीं है तो मैं स्टूडियो में जाके अपने साउंड इंजीनियर को कहती हूँ मुझे ऐसा ऐसा म्यूजिक चाहिए एंड ही मेक्स इट रेडी फॉर मी, तो बस फिर मुझे ही रिकॉर्ड करना होता है। क्या बात है, यानी कि आप खुद ही लिखती हैं और कंपोज भी करती हैं, तो जरूरत ही नहीं है जब आपने खुद लिखा है तो उसको कहीं पढ़ने की, क्योंकि वो सब कुछ दिमाग में होता है। राइट, और ट्वेल्थ क्लास के बाद जब मैंने मेरा फर्स्ट जिंगल रिकॉर्ड किया था, वो एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जिंगल था, तो वो मैं तब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था रिकॉर्डिंग स्टूडियो में माइक के आगे, मैंने उसको दो जिंगल्स थे,
एक किड्स के लिए था और एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए था. मैंने उसको हार्डली 20 मिनट्स में कवर कर दिया था. 20 मिनट्स में ओके टेक हो गया था. क्या बात है, बड़े बड़े आर्टिस्ट इतने कम टाइम में नहीं कर पाते, कई बार रिकॉर्डिंग में बहुत टाइम लग जाता है. मुझे जो वहाँ पे म्यूजिक कंपोजर थे उन्होंने भी यही कहा था कि मतलब आपने इतना जल्दी कैसे कर लिया. मैंने कहा पता नहीं हो गया, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था माइक के आगे. क्या बात है, मतलब आप तो सुपर स्टार निकली. थैंक यू. फिल्म देखी है ना आपने? बस मेरे फैंस और फैमिली की दुआएं हैं जो भी है, और बस जो भी मैं कर रही हूँ तो आगे रेशम आपसे और बातें करेंगे जो भी आपका जो सफर रहा है उसके बारे में, क्योंकि मुश्किल दौर तो आपने बताया कि मुश्किलें आई लेकिन आपने सब कुछ करना सीख लिया अपने आप से, और आप अपनी सिचुएशन को हैंडल करना बखूबी जानती हैं. तो भाई गम है क्या, क्योंकि आगे बढ़ने की राह आपके सामने है. FM Rainbow 102.6. FM Rainbow पर एक बार फिर हूँ मैं, हूँ आपके साथ आपकी दोस्त RJ शालिनी. और बात अगर करें परीक्षा की, यानी एक ऐसा समय जब दिल में होती है धुक 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 कि भाई आगे क्या होगा, एग्जाम कैसा होगा, और अगर एग्जाम हो जाए तो फिर रिजल्ट की टेंशन कि भाई अब कैसा रिजल्ट आएगा, पास होंगे या फेल, नंबर कैसे आएंगे. उसके बाद का रिस्पॉन्स भी सोच सोच के दिल घबराने लगता है. लेकिन बात करें हमारी आज की कलाकार, युवा कलाकार रेशम की, तो रेशम भी जब ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स में बैठी, यानी कि वो रियलिटी शोज जिसमें बहुत सारी लाइट कैमरा था और एक्शन हो रहा था, जिसमें सबकी निगाहें उनके ऊपर टिकी हुई थी. तो रेशम बताओ, जब आपने बहुत सारे रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया तो क्या हुआ, धक धक हुई? रियलिटी शो में एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा था. सबसे पहले रियलिटी शो में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे ये होता है कि जो आपका कई बार फियर होता है ना गाने का, कि मैं मतलब कैमरा को फेस करने का, तो वो काफी हद तक कम होता है. हालांकि मैं रियलिटी शो में इतना ज्यादा आगे तक नहीं जा पाई थी, लेकिन उसने मुझे मतलब काफी हेल्प किया मेरे टैलेंट को आगे लेकर जाने में, और स्टेज फेयर को और भी थोड़ा तोड़ने में. स्टेज फेयर तो खैर मुझे कभी था भी नहीं, लेकिन फिर भी रियलिटी शो में जाने का अलग ही एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वहाँ पे लेवल्स होते हैं काफी सारे. पहले आपको लेवल 1 देना है, देन लेवल 2 देना है, और प्रोसेसिंग. तो बहुत ही अच्छा था. आपने सिर्फ एक नहीं, 2-3 अलग अलग रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया है. बड़े बड़े लोग इस दौरान आपसे मिले होंगे, जिन्होंने आपको सुना होगा, शायद आपकी तारीफ भी की होगी, कुछ कमियां भी बताई होंगी. तो कैसा कुछ रहा वो एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था. रियलिटी शोज में तो मैं ज्यादा आगे तक नहीं जा पाई, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि कई कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं रिजेक्शन मुझे मिला था. लेकिन उसके बाद मैंने हार नहीं मानी, मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, और सोशल मीडिया पे म्यूजिक कंपोजर मिथुन शर्मा है, जिन्होंने तुम ही हो फिर भी तुमको चाहूंगा बनाया है, तो मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ. मैं उनके सॉन्ग्स को काफी ज्यादा सुनती हूँ, और बचपन से ही उनके सॉन्ग्स को फॉलो करती हूँ. वो लम्हे, तेरे बिन, फ्रॉम बस एक पल, जब भी आया था तो मैं रेडियो उस दौरान काफी सुनती थी, बहुत बहुत ज्यादा सुनती थी. रेडियो का तो ऐसा है कि मेरे खून में है रेडियो, जिसकी वजह से अभी मेरे को RJ का पैशन भी, और मैंने तो मुझे लगता है आप FM रेनबो भी लगातार सुनती रहती होंगी. लगातार FM रेनबो चलता था, जो टेप रिकॉर्डर आता है, ट्रांजिस्टर आता है, ट्रांजिस्टर मेरे घर में पड़ा ही रहता है, और अभी भी मेरे पास ट्रांजिस्टर है. 2006 से मैं ट्रांजिस्टर पर सुनती आ रही हूँ रेडियो. FM रेनबो के सारे कार्यक्रम मैंने सुने हैं, और उसी के वजह से मेरे को RJ का भी काफी ज्यादा पैशन मिला. एंड अभी मैंने एक इंटरनेट रेडियो स्टेशन था, वहाँ पे इंटर्नशिप किया है 1 ईयर का एज एन RJ रेडियो जॉकी. ओके. तो फिर मैंने 2016 में जब ट्विटर ज्वाइन किया तो मैंने सीधा उन्हें फॉलो किया, बिकॉज मैं उनकी फैन थी. तो ऐसे ही एक बार रैंडमली मैंने उन्हें गा के मेरा सॉन्ग भेजा. उनका ही सॉन्ग था एक्चुअली, वो दरखास्त, फ्रॉम द फिल्म शिवाय. तो उस वक्त मूवी नहीं आई थी और मुझे वो सॉन्ग काफी पसंद आया था. तो ऐसे ही मैंने 2-3 लाइन्स घर में ही रिकॉर्ड करके उन्हें टैग करके सेंड की, एंड ही रोट ऑन दिस वेरी नाइस रेशम. एंड उसके बाद उन्हें अजय देवगन सर और सुनिधि मैम फॉलो कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने मेरी पोस्ट देखी तो अजय सर ने भी मुझे लिखा, यू हैव गॉट ऑसम एंड ब्यूटीफुल वॉइस, और सुनिधि मैम ने भी लिखा, यू आर रियली समथिंग एल्स गर्ल. ये उनका तो भाई रेशम, आपने जिक्र किया दरख्वास्त का, तो मुझे लगता है कि अब एक गाने का समय तो हो ही गया है, तो क्यों ना हमारे सभी लिसनर्स को जो हमें सुन रहे हैं ये गाना सुनाया जाए. बिल्कुल.
तो रेशम की जो कहानी है इस गाने के बारे में वो तो उन्होंने हमें बता ही दी, लेकिन इसे सुनने के बाद मेरे दिमाग में भी ना एक दरख्वास्त आई है जो मैं रेशम से करना चाहती हूँ कि रेशम आप हमें अभी लाइव कोई जिंगल गा के सुना सकती हो? जी हाँ, मैं आपको सुनाती हूँ ये प्यारा सा जिंगल। ये वही जिंगल है जो मैंने सबसे पहले रिकॉर्ड किया था बहुत ही कम टाइम में। ये वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, तो मैं इसकी दो लाइनें सुनाती हूँ। जी, जो हो सके तो आज थामो तुम मेरा हाथ, आओ सखी मेरी सखी, आज ना छोड़ो साथ। तो ये मैंने जिंगल किया था। बहुत खूब, बहुत खूब। और कोशिश करेंगे कि आगे भी आपसे जुड़ते रहें, कुछ बातें शादी करते रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपकी एज वाले हैं, युवा लड़के लड़कियां हैं, उन्हें बहुत प्रेरणा मिली होगी आपकी कहानी को सुनकर। और जैसा कि मैंने आपके प्रोफाइल को पढ़ा, तो आप बड़े बड़े कलाकारों से सिर्फ सोशल मीडिया पर भी बात नहीं करती है, बल्कि उनसे रूबरू भी हो चुकी है। तो क्या कुछ कहानी है, कैसे मिलना हुआ बड़े बड़े कलाकारों के साथ? जी हाँ, मैं एक फैमिली फंक्शन में गई थी, तो वहाँ पे मुझे मीका सर से मिलने का मौका मिला, सिंगर मीका सिंह, और दलेर सर भी, दलेर मेहंदी जी से। तो क्या आपने वहाँ फंक्शन में बोला कि भाई मेरा गाना भी सुनो, मैं भी गाती हूँ? जी नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे थी तो उन्होंने पहले से सुना हुआ था। क्या बात है, इतने बड़े बड़े कलाकारों ने आपका गाना पहले से सुन रखा था। जी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बहुत अच्छा गाते हो एंड ऐसे रियाज करते रहो, तो फिर मैंने फोटोज वगैरह भी लिए उनके साथ, और वो भी मैंने फेसबुक पे यूज करके रखा हुआ है। एंड पंजाब केसरी इवेंट में एक मैंने पार्टिसिपेट किया था एक, तो वहाँ पे हर्षदीप कौर मैम आए हुए थे, तो मुझे उनसे भी मिलने का मौका मिला। वहाँ पे मैंने सत्यमेव जयते का सॉन्ग जो है वो मुझे क्या बेचेगा रुपया, वो वाला सॉन्ग मैंने परफॉर्म किया था। तो फिर उनसे भी मुलाकात हुई और मैंने उन्हें कहा कि मुझे आपका कत्या करूँ सॉन्ग भी बहुत अच्छा लगता है, तो फिर उन्होंने कहा ओके कीप गोइंग, गॉड ब्लेस यू। तो ऐसे ही मुझे सेलिब्रिटी से मिलने का मौका मिला। यानी कि जब आप अपनी राह पर आगे बढ़ते हैं, कुछ करते जाते हैं, तो एक तरीके से कुछ ऐसे मोड आते हैं जो आपके एक्साइटमेंट को, आपके उत्साह को बढ़ाते हैं और आपको प्रेरणा देते हैं, आपके अंदर और एनर्जी भर देते हैं कि आप आगे बढ़ो। ऐसा ही कुछ हुआ ना रेशम ऐसे लोगों से मुलाकात के बाद? बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ। और अभी रिसेंटली जैसे कि मैंने कहा, मैं डबिंग वगैरह भी करती हूँ, डबिंग वगैरह का शौक पता नहीं कैसे आया, मेरे में पहले नहीं था। एंड हुआ क्या कि मैं कार्टून कैरेक्टर्स की मिमिक्री तो बहुत टाइम से करती थी, एंड देन जो डोरेमोन की रियल वॉइस है सोनल कौशल, तो उनसे मुझे मिलने का मौका मिला। ओके, तो उनको देखकर ऐसा लगा कि ये भी ट्राई करना चाहिए। हाँ, ये भी ट्राई करना चाहिए। फिर मैंने हैरी पॉटर के जो वॉइस एक्टर है राजेश कावा सर, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। तो फिर जब मैंने डबिंग में ट्राई किया तो उन्होंने कहा कि आप तो इसमें भी बहुत अच्छे हो, तो आपको इसमें भी आगे जाना चाहिए। तो लाइक मेरा ऐसा है ना कि सिंगिंग तो मेरा है ही, लेकिन मैं हमेशा कुछ नया ट्राई करती हूँ अपने साथ की मैं और क्या क्या अचीव कर सकती हूँ या क्या क्या एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो बिल्कुल रेशम, अब ज्यादा समय तो नहीं बचा है शो में, लेकिन कोशिश करेंगे आपसे दोबारा जुड़ें और कुछ और बातें करें, लेकिन उससे पहले ये गाना आपके लिए। बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके साथ, आपकी दोस्त आरजे शालिनी। प्रोग्राम चल रहा है परवाज है काम तेरा, और आज जमाने के सामने है एक खास टैलेंट जिसका नाम है रेशम तलवार। तो रेशम ये बताओ कि अवार्ड्स आपको बहुत मिले हैं, आपको मतलब एक तरीके से स्टोरी इतनी ब्राइट है कि सब जगह जैसे सबने आपके लिए रास्ते पे फूल बिछा रखे हों, और आपकी कहानी, आपकी जो भी सक्सेस स्टोरी है वो आगे बढ़ती चली गई। तो कभी कुछ ऐसा लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे औरों को भी प्रेरणा मिले, या फिर कुछ ऐसे लोग आपसे टकराए जो थोड़े से सैड थे या इन्फीरियर फील कर रहे थे और आपने उनको मोटिवेट किया? जी हाँ, जैसे मैंने मीका सर वाली स्टोरी बताई कि वो पहले मुझे मिले थे, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे खुद भी अपने फैमिली अपने फंक्शन में इनवाइट किया था। उन्होंने एक फंक्शन कराया और स्पेशली उन्होंने हमारी फैमिली को इनवाइट किया कि आप मिलिए, ये बहुत ही टैलेंटेड है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और
ऐसा होता है जैसे कई बार मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी कभी डिमोटिवेट होते हैं तो क्या करें, एंड जो मेरे फैंस भी हैं सोशल मीडिया पे दे ऑलवेज लुक अप टू मी कि वो बोलते हैं हम आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं. सो बहुत अच्छा लगता है सुन के, बहुत खुशी होती है जब एक मैसेज आपके पास आता है एंड द पर्सन इज सेइंग कि आई एम योर वेरी बिग फैन. बहुत अच्छी होती है. क्या बात है यारी कि आप तो स्टार बन चुकी हैं. मैं जी हाँ, बस स्टार जो भी कुछ है बस आप सबकी दुआओं की वजह से. मैं बस इतना कहना चाहूंगी एंड में, क्योंकि टाइम काफी कम बचा है, कि एक पर्सन तभी सक्सेसफुल हो सकता है या वो तभी अपना परवाज सही तरीके से कर सकता है जब उसके पीछे सपोर्ट अच्छा हो. मेरी फैमिली, मेरे मॉम, मेरे डैड, मेरे ब्रदर, इन्होंने मुझे कभी किसी भी काम के लिए नहीं रोका. मेरे पे कभी कोई प्रेशर बिल्ड नहीं किया कि भाई तुम्हें जॉब करनी है या तुम्हें इस चीज में एक्सेल करना है. उनका बस एक यही रहता है कि तुम्हें जो करना है तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अच्छे से करो. तो उसकी वजह से मुझे और हिम्मत मिलती है कि मैं अपने टैलेंट को दुनिया के आगे लेकर आ सकूं. थैंक यू सो मच रेशम हमसे जुड़ने के लिए और अपनी कहानी को सबके साथ साझा करने के लिए. हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आपने एक मुकाम हासिल किया है, आप आगे बढ़ते जाएं और पीछे जो मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है. कोई मुश्किल दौर आया भी हो तो उसे भूल जाइए, आगे बढ़ते जाइए और हाँ, एक ऐसा मुकाम हासिल करिए कि जिससे दूसरों को भी आपसे प्रेरणा मिले. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. तो भैया आपको बता दें कि अगर आपके अंदर भी है कोई खास टैलेंट तो आप हमें भेज सकते हैं अपना ऑडियो लिंक 1.5 से 2 मिनट का अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ पोस्ट बॉक्स 503@gmail.com पर.